हाय, आई एम डॉक्टर सुरेखा भार्गवा, द रिचेस्ट लेडी नेटवर्कर ऑफ इंडिया। पैसा कमाना और पैसा कमाना सिखाना मेरा पैशन भी है और मेरा प्रोफेशन भी। बट आज हम लाएं एक बहुत ही अहम सवाल, क्या नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट बेचना पड़ता है? दोस्तों, एक बहुत बड़ा डर है, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि क्या प्रोडक्ट बेचना पड़ता है। तो सबसे पहली बात, नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने बॉस होते हैं और ये पड़ता शब्द आपकी ज़िंदगी में नहीं आता है। हर वो काम जो आप करना चाहते हैं वो करेंगे, जो आप नहीं करना चाहते कोई आपसे नहीं कराएगा। तो पड़ता है शब्द को भूल जाइए। अब बात आती है, अगर प्रोडक्ट नहीं बेचना पड़ता तो क्या करना होता है? पहली बात, आपको प्रोडक्ट यूज़ करना होता है, आपको अपनी दुकान बदलनी होती है। आप अभी किसी न किसी दुकान से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं, वहाँ से नहीं खरीद करके आपको अपनी कंपनी से सामान खरीदना होता है। तो हम यूज़र तो हैं, अभी हम कहीं ना कहीं से खरीद रहे हैं, कम से कम हम अपनी दुकान तो खुशी खुशी बदल सकते हैं। तो ये पड़ता नहीं है, खुशी खुशी दुकान बदलनी होती है, और वो भी ऐसे प्रोडक्ट जो अच्छी क्वालिटी के हों, जिन पर सेटिस्फेक्शन गारंटी हो और जिन पर बहुत सारी सफलता आती हो। तो आप खुशी खुशी अपनी दुकान बदल सकते हैं, वो पहली बात है। दूसरी बात, बहुत सारी कंपनीज़ में रिटेल प्रॉफिट नाम की एक एक्स्ट्रा इनकम और होती है। अगर आप रिटेलर हैं, अगर आपको सेल्स करने का शौक़ है ना, तो वो शौक़ भी आप यहाँ पूरा कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट को रिटेल कर सकते हैं और वो रिटेल प्रॉफिट कमा सकते हैं। पर जैसे मैं डॉक्टर हूँ बाय क्वालिफिकेशन, मेरी नाक बहुत ऊंची थी और मुझे नहीं पसंद था सेल करना, तो मैंने कभी कुछ सेल नहीं करा। शुरू में मुझे बड़ा डर लगता था, कुछ बेचना तो नहीं पड़ेगा। पर जब मैं प्रोडक्ट यूज़ करने लगी, लॉयल यूज़र बनी और इतने अच्छे प्रोडक्ट, तो उत्साह आने लगा। तब पता चलने लगा कि ये प्रोडक्ट लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। फिर जब मैंने किसी को वो परेशानी में देखा जिस परेशानी का सलूशन मेरे पास था, तो मैं वो सलूशन बताने लगी। मैं प्रोडक्ट बेच नहीं रही थी, मैं प्रोडक्ट शेयर कर रही थी। मैं प्रोडक्ट बेच नहीं रही थी, मैं सलूशन शेयर कर रही थी। जो हमें करना होता है ना, जो बेचना होता है ना, वो हमें कॉन्सेप्ट बेचना होता है, हमें कॉन्सेप्ट को शेयर करना होता है। अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूँ, जैसे पहले हम सब जने वो लैंडलाइन यूज़ करते थे, फिर कुछ कोई कंपनी आई जो मोबाइल लाई, उसने मोबाइल के बारे में बताया और आपको बताया गया आप कहीं भी होगे, घर के बाहर भी कहीं होगे, आप आसानी से फ़ोन पर अपने अपनों से कनेक्ट रह सकोगे। वो कॉन्सेप्ट बेचा और आप लोगों ने, जिन लोगों ने मोबाइल को पसंद किया, तब कुछ लोगों ने तुरंत पसंद किया, कुछ लोगों ने थोड़े समय बाद पसंद किया। पर आप सोच के देखिए, अगर हमने मोबाइल की आदत नहीं बदली होती, हम कहते हम तो अभी भी लैंडलाइन पर ही काम करेंगे, तो क्या आप ये वीडियोज़ देख पाते, ये व्हाट्सएप कर पाते, क्या ये जो सुविधा आज हम उठा रहे हैं, क्या आप सुविधा उठा पाते? या अगर मैं पूछूं कि आप मोबाइल के बिना अपनी ज़िंदगी अब विजुलाइज़ कर पाते हैं, कर सकते हैं? नहीं। तो मोबाइल कंपनियों ने कॉन्सेप्ट बेचा। या मैं अगर गाड़ी की बात करूं, जब घोड़ा गाड़ी थी, हर जगह बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी काम में ली जाती थी, फिर एक सज्जन आए, कार्ल बेन्स आए, उन्होंने गाड़ी का निर्माण किया, उन्होंने आविष्कार किया, तो क्या शुरू में सबने घोड़ा गाड़ी छोड़ दिया होगा? नहीं। बट कार्ल बेन्स ने अपनी वाइफ को उनके पीहर भेजा, वो अपने बच्चों को लेकर के जब पीहर गई, वो उसे एक लेडी ने जब गाड़ी में सफ़र तय करके दिखाया, तो जो टाइम बचा, जो सुविधा हुई, वहाँ से ये गाड़ियाँ आईं। अगर मैं अब आपसे पूछूं, अगर ये कॉन्सेप्ट उन्होंने नहीं बेचा होता या आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं खरीदा होता, तो क्या आज भी आप घोड़ा गाड़ी पर जा रहे होते? नहीं। तो दोस्तों, ऐसे ही इनकम करने का अभी एक तरीका है, अभी एक जरिया है। हम या तो मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू कमाते हैं या ट्रेडिंग के थ्रू कमाते हैं। हमारे कुछ लिमिटेड, हमारे दिमाग में कुछ पैटर्न्स हैं कि पैसा ऐसे ही कमाया जाता है, नौकरी करके या बिजनेस करके। पैसा कमाने का एक नया तरीका है, पैसा बचाने का एक नया तरीका है, और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमें बेचना होता है जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाना चाहते हैं। तो आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट यूज़ करना होगा, अपनी शॉप चेंज करनी होगी, इस कॉन्सेप्ट को ढंग से, दिल से, खुशी खुशी समझना होगा, और जो आपने समझा है उसे खुशी खुशी लोगों को बताना होगा, या जो लोग मदद करने को अवेलेबल हैं ये समझाने में, उन लोगों की मदद लेनी होगी, और आप सफल हो जाएंगे। इतनी सी बात है, करके देख लीजिए और जीत जाइए, छा जाइए।